गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कल हम गए थे वृंदावन, तो आज हमने सोचा ऐसी जगह जाएं जहां हम गए ना हो। सो आज हम आए मदन टेर, उसके बाद हम और जगह जाने वाले हैं जहां हम नहीं गए। सो यहां पे सेवा चल रही है, चिरांची सेवा करती हुई। सो यहां की स्टोरी ये है कि यहां राधा वल्लभ जी आए थे और ये सब पेरनी सखी हैं, गॉट इट। और ये दीपांशी सेवा करिए क्योंकि यहाँ पर सेवा करनी चाहिए अच्छी मान। जय श्री राधे। दबा की सेवा चल रही है। चलो घर में भले काम नहीं करते, यहाँ तो कर रहे हैं। देखो मेरे हाथ में भी झाड़ू है। बस सो ये जगह का कहते हैं कि ये सखियाँ हैं, सब सिर्फ पेड़ नहीं है, सखियाँ हैं। जिसे आप देख सकते हो सब सखी उसको हक करके बैठे हैं। किनारे दर्शन करने से दीपांशी और सब अंदर जा रहे हैं आगमन करने। ओए राधे राधे। सो अब हम फिर से पहुंच गए हैं राधा वल्लभ जी। तो हालत देख रहे हो, चल चल के बैंड बज गई है, तो बैठ ही गए हैं यहाँ पे आके। और फिलहाल देखो शक्लें बता रही है हमारी कि हमारी बैंड बज चुकी है। सो गाइस बज रहे हैं रात के एक और हम सोए नहीं है, और हम पहुंच गए महाराज जी के दर्शन के लिए केली कुंज, जहाँ पे महाराज जी सत्संग सुनाते हैं। तो ये सत्संग इजीली नहीं सुना जाता, इसके लिए टोकन्स वगैरह लगने लग गए हैं, जिसमें हमें अपना पहले नाम लिखवाना पड़ेगा विद आधार कार्ड। सो यहाँ पे सेवा चल रही है, सब महाराज जी के लिए फूल वगैरह बेच रहे हैं। सो बहुत पापड़ वेले हैं यहाँ पर पहुँचने के लिए, डेढ़ डेढ़ घंटा खड़े होकर चिरांशी ने नाम लिखवाया लिस्ट में, जो कि कैंसिल हो गया था। फिर अचानक कृपा हुई और हमारा नाम लिख गया। सो शक्ल देख के आप समझ सकते हो कि हम कितने जागे हुए हैं और नींद बिल्कुल भी पूरी नहीं हुई है। सो हम एक बजे से इंतज़ार करते रहे महाराज जी का, और चार बजे महाराज जी आए। फिर हमने उनका सत्संग सुना, और सत्संग सुनने के बाद हम सात बजे यहाँ से निकले और हम डायरेक्ट सीधा सीधा पहुँच गए बरसाना धाम। पहुंच गए बिहारी जी के दर्शन करने, क्योंकि उनके दर्शन के बिना सब उधर है। बाय बाय अनंत। हे गाइस गो। बाय बाय अनंत।